हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके चर्चा एम ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, इससे पहले आज की वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपके इस चैनल पर ट्रेन से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन और इंडियन रेलवे से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और ट्रेन से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर पूछ सकते हो। दोस्तों, आपने ट्विटर पर भी फॉलो कर लें और इनके अलावा मेरा और एक चैनल है इंडियन ब्लॉगर एम कुमार, जिन पर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता हूँ, आप चाहो तो उन्हें विजिट कर सकते हो, लिंक नीचे है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि गुज्जर आंदोलन के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है और कुछ ट्रेनों को मार्ग को बदल दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों। और तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि और भी कुछ ट्रेनें हैं जिन्हें गुज्जर आंदोलन के कारण रद्द किया गया है और कुछ ट्रेनों का मार्ग को बदल दिया गया है। साथ ही 5909 अवध असम एक्सप्रेस और 5910 अवध असम एक्सप्रेस दोनों के मार्ग को भी बदल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूँ और आपको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ट्वीट भी दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली ट्रेन है वो है जम्मू तवी अजमेर और अजमेर जम्मू तवी, जिन्हें रद्द किया गया है। अब बाड़मेर ऋषिकेश और ऋषिकेश बाड़मेर, उसे भी रद्द कर दिया गया है। और श्रीगंगानगर दिल्ली और दिल्ली श्रीगंगानगर, इसे भी रद्द कर दी गई है। और अजमेर अमृतसर और अमृतसर अजमेर, इसे भी रद्द कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, 0709 डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस, जिन्हें की मार्ग बदलकर रोहतक भिवानी हिसार सुदलपुर हनुमानगढ़ होकर चला जा रहा है, हनुमानगढ़ होकर चला जा रहा है। साथ ही 0510 लालगढ़ डिब्रूगढ़ को मार्ग बदलकर हनुमानगढ़ सुदलपुर हिसार भिवानी रोहतक होकर संचालित की जा रही है। दोस्तों, तो ये थी कुछ ट्रेनें जिसे मार्ग बदल कर चलाया जा रहा है और कुछ ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। साथ ही आप ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ये ट्वीट भी आप देख लें, इसमें भी वो सारी ट्रेनों की जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी बताया गया है कि कौन से ट्रेनों को रद्द किया गया है और अवध असम एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ लालगढ़ और लालगढ़ डिब्रूगढ़ करके मार्ग को भी बदला गया, आप साफ साफ यहाँ ट्वीट में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी अपडेट आपको कैसी लगी, इसके विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।